नमस्ते दार्जिलिङ टिस्टा रङ्गीत हेरिरहनु भएको सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई फेरि पनि स्वागत जनाउँदछु तपाईँको उद्घोषिका प्रतिमाबाट। र भनिन्छ नि पहाडको रानी दार्जिलिङ, साँच्ची नै दार्जिलिङ यति सुन्दर छ, यसैलाई त यसैले गर्दा नै हाम्रो दार्जिलिङलाई पहाडकी रानी भनेर टाइटल दिएको छ। सौन्दर्य कि खानी, साँच्ची नै यति मिठो यति सुन्दर दृश्य, यसमा कञ्चनजङ्घाले त झनै हाम्रो दार्जिलिङलाई झलमल्ल उज्यालो बनाएको छ, शिरमा मुकुट लगाएछ है। र यसरी आज हामी टिस्टा रङ्गीतका सम्पूर्ण युनिटहरू दार्जिलिङका विभिन्न पर्यटक स्थल अर्थात् टुरिस्ट प्लेसेसमा हामी जानेछौँ, भ्रमण गर्नेछौँ। साथसाथै अहिले भने हामी यहाँनिर पिस पकौडा जापानिज टेम्पलमा आइपुगेको छौँ। तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँको दृश्यहरू, यहाँनिर बाहिरबाट आउनुभएको पर्यटकहरूले कति दार्जिलिङलाई हेरेर रमाइरहनु भएको छ, कति खुसी हुनुभएको छ, यहाँको वातावरण यहाँको क्लाइमेटलाई उहाँहरूले एकदमै एप्रिसिएट गर्नुभएको छ। त आउनुहोस् आजको कार्यक्रम आजको एपिसोडमा हामी दार्जिलिङका विभिन्न स्थलहरू विभिन्न टुरिस्ट प्लेसेस हामी भ्रमण गर्नेछौँ, साथै हाम्रो यहाँ दार्जिलिङमा उपस्थित हुनुभएको पर्यटकहरूसँग पनि मिठा मिठा हाम्रो दार्जिलिङको मिठो वर्णन गर्ने मिठो कुराहरू हामी उहाँहरूसँग गर्नेछौँ। सो हेर्दै गर्नुहोला टिस्टा रङ्गीत। र यसरी जापानिज टेम्पल घुम्न आउनुभएको पर्यटकहरू हामी माझ हुनुहुन्छ, स्वागत है आपको टिस्टा रङ्गीत च्यानलमा। कहाँ से आयो? कानपुर से। आपका शुभ नाम? रुचि गई। कैसा लगा आपको दार्जिलिंग? बहुत अच्छा लगा। कौन से प्लेसेस में आप लोग? अभी तो मैंने सिर्फ दो ही प्लेसेस देखे, एक बुद्धा टेम्पल देखा, ये भी बहुत अच्छा लगा, और बाकी दार्जिलिंग का जो मैंने साइड पीस देखा, टाइगर हिल्स देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। टाइगर हिल में सुबह को 3:30 बजे अच्छा लगा, सनराइज देखा। बहुत रिलैक्सिंग प्लेस है, बहुत ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट है। अब स्पेशली यहाँ पे जो हमने विजिट किया, बहुत पीसफुल जगह है, आप देख ही रहे हैं पीछे बुद्धिस्ट पगोडा है, बहुत नाइस और बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट है बस यहाँ पर। बाकी हम तो कानपुर से आए हैं, ऐसा कुछ शांत माहौल नहीं होता है वहाँ पर जैसे यहाँ पर है। वेरी नाइस एनवायरनमेंट। दार्जिलिंग में दार्जिलिंग का टी बहुत फेमस है, हाँ। आप लोगों ने दार्जिलिंग टी ट्राई किया? हाँ, ट्राई किया है, बड़े सारे फ्लेवर्स हैं, फिलहाल अभी इतना तो नहीं पिया क्योंकि अभी कल ही आए हैं, अब ट्राई करेंगे। ओके। दार्जिलिंग में बहुत सारे और भी बहुत खूबसूरत जगह है, वहाँ पर भी घूमिएगा। ओके, थैंक यू वेरी। र यसरी दार्जिलिङका विभिन्न पर्यटक स्थलहरू भ्रमण गर्दै गर्दै अहिले भने हामी पद्मजा नायडू हिमालय जोडिकल पार्क आइपुगेको छौँ। यहाँ जो त्यति मात्रै नभनेर यहाँनिर दार्जिलिङमा चाहिँ प्रसिद्ध दार्जिलिङको जू भनेर चिनिन्छ। तपाईँहरू अहिले दार्जिलिङको जू देख्नुहुँदैछ मेरो पछाडि, र आज भने यहाँ धेरै धेरै पर्यटकहरू आउनुभएको छ, र उहाँहरूसँग केही कुराकानी गरौँ। हाम्रो दार्जिलिङ कतिको सुन्दर छ त्यसको बारेमा केही आज हाम्रो दर्शकवृन्दहरूसँग जानौँ बुझौँ। क्या चीज का आपको डिसलाइक लगा? ट्रैफिक प्रॉब्लम, जहाँ भी जाओ देयर यू हैव टू ट्रैफिक जाम, यू हैव टू वेट फॉर क्लियर, वी आर वेस्टिंग टाइम फॉर दैट। सेकंड थिंग, क्लीननेस इज स्टिल वेरी मच लैकिंग, क्लीननेस इज स्टिल वेरी मच लैकिंग। लॉट ऑफ गार्बेजेस, आई फाइंड द कलेक्शन ऑफ लॉट ऑफ गार्बेज, and that I've been seeing every day.
it should be cleaned every day. Darjeeling is very good. It can be make more beautify because I have been visiting Darjeeling since childhood. Yes. During childhood, I've stayed old memories. I stayed for some time in Kashang. So that has attracted we are visiting every third year, fourth year because we like this place, one of the best hill station in India. Thank you very much, sir. हाम्रो म्युनिसिपालिटीको स्टाफहरूले अलिकति ध्यान दिनुपर्ने भयो. गेस्टहरूको अलिकति कम्प्लेन छ, दार्जिलिङमा गार्बेज बेसी भयो, मैला बेसी भयो, उहाँहरूलाई ट्राफिक जाम बेसी लाग्यो. यो कुरालाई अलिकति ध्यान दिनु पऱ्यो र हेर्दै गर्नुहोस् टेस्ट रङ्गीत. फेरि हामी माझ अर्को पर्यटक पनि हुनुहुन्छ. हेलो सर, हेलो, स्वागत है आपका दार्जिलिङमै. कहाँ से आयो आप? हम दुर्गापुर से. दुर्गापुर से कब आयो दार्जिलिङ? दार्जिलिङ काली आए थे. पहली बार है या सेकंड टाइम? सेकंड टाइम है. क्या पसंद है आपको सबसे ज़्यादा दार्जिलिंग में? पसंद तो जू ही है, टाइगर हिल भी है और मिरिक. दार्जिलिंग में मिरिक भी अच्छा है और मॉल मैल भी अच्छा है. मैल भी बहुत अच्छा है. मैल भी बहुत अच्छा है और अच्छा लगा. सब एक साथ मिलजुल के रहे, यही हम लोग मतलब आशा करते हैं. और सबसे जो मेंटेन करना है दार्जिलिंग में, दैट इज क्लीनलीनेस. मेंटेन करना है दार्जिलिंग में, दैट इज क्लीनलीनेस. मेंटेन करना है दार्जिलिंग में, दैट इज क्लीनलीनेस. ये चाहिए, बहुत गंदा है. यहाँनिर हामीले धेरै यति प्यारो नानीहरू देख्यौँ. स्वागत है आपका दार्जिलिङ में. व्हाट्स योर नेम? आर्यन. आर्यन, कहाँ से आयो आप? दिल्ली. दिल्ली से. और आपका नाम? निधि अग्रवाल. निधि अग्रवाल, आप लोग फैमिली हो? हाँ जी, हम कब आए हो दार्जिलिंग? हम कल आए थे. दार्जिलिंग के बारे में सब बताइए, कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा आपको यहाँ प्लेस? हम जस्ट अभी आए हैं, सबसे पहले हम जू देखने आए हैं. यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चे बहुत इन्जॉय कर रहे हैं. और कब तक रुकोगे? हम यहाँ कल चले जाएंगे यहाँ से. इतनी जल्दी नहीं, आगे गैंगटॉक और वो नामची वहाँ सब जाना है. जाना है. और दार्जिलिंग के बारे में दो शब्द. दार्जिलिंग इज़ अ वेरी नाइस प्लेस एंड you should come to Darjeeling I think each and every year. And the speciality of Darjeeling is tea. Darjeeling is famous for tea, so that is the beauty about Darjeeling. Thank you very much. The weather is very nice, very nice weather. Aur har saal matlab har aadmi ko aana chahiye yahan pe zarur, bahut acche. Thank you very much. आज अर्को पर्यटक पनि हुनुहुन्छ. स्वागत है आपका दार्जिलिङमै. थ्याङ्क यू म्याडम. कहाँ से आयो आप? रीवा, एमपी से. एमपी से. दार्जिलिङका मौसम कस्तो लाग्यो? बहुत प्यारा, बहुत अच्छा, बहुत सुन्दर. जू पुरा घुम चुके आप? जी म्याडम. सबसे अच्छा क्या लगा जू में? म्याडम यहाँ के जो मतलब पक्षियों के अलावा यहाँ मोर वगैरह हैं और बच्चों के देखने लायक बहुत सारी चीज़ें हैं, जो स्नैक्स हैं उनको देखे, तरह तरह के डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली हैं जो बहुत बच्चों को मतलब बच्चों को माइंड को बहुत शार्प करती हैं. उनको आगे आने वाले समय में ये समझ में आता है कि हमको एनिमल्स किस तरह के होते हैं वो, क्योंकि वो इतने एनिमल्स कभी देखे ही नहीं हुए थे. यहाँ पर आए तो उनको तरह तरह के एनिमल्स देखने को मिला तो उनको बहुत प्यारा लगा. उनको ये मतलब ये समझ में आया कि संसार में कितनी तरह की चीज़ें भगवान ने दी हुई हैं, गॉड गिफ्टेड हैं. बाकी कहाँ कहाँ घूमे आप दार्जिलिंग? दार्जिलिंग में मैडम मैं तो कई पॉइंट गया रहा हूँ. कई पॉइंटों में चाय के बागान होके आया था और बुद्ध जी का टेंपल देख के आया था और एक ये जगह भी मैं आया था. और उसके अलावा भी दो तीन पॉइंट और जा रहा हूँ, क्योंकि मैं मेरे को यहाँ की जानकारी नहीं है तो मैं अब जो जो पॉइंट मेरे गाइड लेके जाएगा मैं वहाँ वहाँ जाऊँगा. अच्छे से घूमे, बहुत सुंदर है दार्जिलिंग. थैंक यू मैडम. थैंक यू वेरी मच. धेरै टुरिस्ट प्लेसेसहरू मध्ये अहिले भने हामी हिमालयन माउन्टेनियरिङ इन्स्टिट्युट आइपुगेको छौँ, अर्थात् एचएमआई. दार्जिलिङको यस एचएमआई पनि धेरै परिचित जग्गा भनौँ. आउनुहोस् यहाँका हेरोभित्रका दृश्यहरू.
अहिले भने हामी हिमालयन माउन्टेनियरिङ इन्स्टिट्युट आइपुगेका छौँ र यहाँनिर चाहिँ रक क्लाइम्बिङ इन्स्टिट्युट, यहाँबाट चाहिँ क्लाइम्ब गर्ने धेरै तालिमहरू उहाँहरूले लिएर चाहिँ माउन्ट एभरेस्टमा क्लाइम्ब गर्ने जतिजना पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ एभरेस्टमा क्लाइम्ब गर्ने, यहाँबाट तालिम लिएर उहाँहरू जानुहुन्छ भनेर जानकारी प्राप्त गरेको छ। यसरी गर्मीको मौसममा अस्त व्यस्त भएर पर्यटकहरू आफ्नो जग्गा छोडेर यति सुन्दर हाम्रो प्यारो दार्जिलिङ घुम्न आउनुभएको छ। तपाईँहरूले देख्नुहुँदैछ पछाडि कति यहाँनिर उपस्थित हुनुभएको पर्यटकहरूले कति इन्जोय गरिराख्नु भएको छ, फोटो खिचिरहनु भएको छ, हाम्रो नेपाली पोसाक लगाएर उहाँहरू रमाइरहनु भएको छ। यसरी नै आउनुहोस्, हामी यहाँका पर्यटकहरूसँग केही कुराकानी गर्नेछौँ। र यसरी हामी माझ अर्को पर्यटक पनि हुनुहुन्छ, स्वागत है आपका दार्जिलिङ। ओके थैंक यू, बहुत अच्छा है, वेरी गुड। कल्चर यहाँ का काफ़ी बढ़िया है, चूँकि हम लोग गर्मी से काफ़ी त्रस्त थे तो इसलिए समर वेकेशन में बच्चों के साथ और फुल फैमिली यहाँ आए, चूँकि दर्शनीय तो है ही, टूरिस्ट प्लेस है ही, साथ में मौसम काफ़ी चेंज है यहाँ, तो हम लोग को काफ़ी आनंद आ रहा है, बच्चे वगैरह काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं। जू पूरा घूम लिया आप? नहीं, अभी पूरा जू नहीं घूमे हैं, अभी म्यूजियम गए हैं, माउंटेन हिमालयन जो सिखाया जाता है कोर्स वहाँ पे गए हैं, वहाँ कुछ जानकारी लिए, म्यूजियम में घूम रहे हैं और भी जू का बहुत सा पार्ट घूमना बाकी है हमारा। जितना जू का पार्ट घूम लिया आप, कैसा लगा आपको? जू का पार्ट काफी बढ़िया है, मगर अभी बहुत सारे एनिमल्स हम लोग जो देखे वो नहीं देख पाए हैं अभी, जैसे टाइगर वगैरह नहीं गए हैं, उधर जाना ही है अभी बाकी है, मगर जितना देखे काफी अच्छा है, अरेंजमेंट काफी अच्छा है, साफ सफाई है, ये चीजें काफी अच्छी है। दर्शकवृन्द, यसरी धेरै पर्यटक स्थलहरू भ्रमण गर्दै 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 अहिले भने हामी एचएमआई पछाडि तपाईँहरूले जसको दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ तेन्जिङ रक एचएमआईमा आइपुगेको छौँ। यहाँ भने पर्यटकहरूले क्लाइम्ब गर्दै गरेको दृश्य तपाईँले पछाडि हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी भर्खरै जुन चाहिँ माथि रक क्लाइम्ब गर्नुभएको एकजना पर्यटक हुनुहुन्थ्यो, उहाँ हामी माझ हुनुहुन्छ। पल्लव बनर्जी, अभी जो आप ऊपर गए, आपको डर नहीं लगा ऊपर में? ना, डर नहीं लगा। पहली बार कर रहे हो या? पहली बार कर रहे हैं। दार्जिलिंग कैसा लगा आपको? दार्जिलिंग बहुत बढ़िया लगा। कुछ दार्जिलिंग के बारे में बताइए जो आपको बहुत अच्छा लगा हो। दार्जिलिंग का एक्चुअली मेल इज द मेन अट्रैक्शन ऑफ दार्जिलिंग एंड आई लाइक द स्कूल हियर Saint Joseph, I think. It is a very nice school, at least from outside it's very nice. And two great places to eat, Glenarys and Hasty Tasty is very good, it's cheap and best. Caventers, though, two reputed eating places. Thank you very much, sir. Sorry, Hami Maza. Sano, bye. पर्यटक हुनुहुन्छ, तरुण उमर, कहाँ से आयो? कानपुर। कानपुर से अभी जो आपने रॉक क्लाइम किया, बहुत मजा आया मुझे। बहुत लगा ऊपर जाते? नहीं नहीं, डर स्टार्टिंग में लगा था लेकिन फिर मजा भी आया था बहुत। दार्जिलिंग कब आयो आप? कहाँ घूमे? वी हैव गॉन टू जू, हिमालयन इंस्टीट्यूट एंड द तेन्जिंग रॉक एंड इंडोर क्लाइंबिंग एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर रॉक गार्डन। दार्जिलिंग का मोमो ट्राई किया आपने? यस लगा, बहुत टेस्टी था, बहुत टेस्टी। दार्जिलिंग के बारे में क्या बोलना चाहोगे? दार्जिलिंग बहुत अच्छी प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ पे मौसम वेदर बहुत अच्छा है, तो और घूमने में भी बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। दार्जिलिङमा यति धेरै साला नै प्रत्येक वर्ष नै पर्यटकहरू आएका हुनाले यहाँ बसोबासो गर्नुहुने, यहाँ बस्नुहुने हाम्रो भनौँ यहाँनिर हाम्रो दार्जिलिङको लोकल पिपलहरूले पर्यटन व्यवसायहरू खोलेर आफ्नो रोजगारहरू चलाउने गर्नुहुन्छ उहाँहरूले। तपाईँहरूले यसको दृश्यहरू यहाँ पछाडि हेर्न सक्नुहुन्छ।
दर्शकवृन्द तपाईहरुले देख्नु भयो आज हामी धेरै एउटा हाम्रो टुरिस्ट प्लेसेसहरु भिजिट गर्यौ त्यसमध्ये भर्खरै हामी तेन्जिङ रकमा भ्रमण गरे पश्चात अहिले भने हामी दार्जिलिङ टी गार्डन यहाँ आइपुगेको छौ यतिमै तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो दार्जिलिङ कति स्वच्छ कति सुन्दर यहाँको वातावरण यहाँको हावापानी कति राम्रो भनेर तपाईले यो हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ वरिपरि हरियाली देखेर नै र यसरी आउनुहोस् हामी हाम्रो पर्यटकहरूसँग अझै कुराकानी गर्दै जाउँ यसरी टी गार्डन घुम्दै आउँदा हामी माझ अर्को पर्यटक हामीले भेटेको छौँ उहाँहरू छत्तिसगढबाट हुनुहुन्छ स्वागत है म्याडम आपका थ्याङ्क यू सतीश डालमिया जी रश्मि डालमिया रश्मि डालमिया पहली बार आए हो दार्जिलिंग जी मैं पहली बार हूँ इनका सेकंड फ्रेंड लोग के साथ आ चुका हूँ पहले अपने दोस्त लोग के साथ में फ्रेंड में आ चुका हूँ फैमिली के साथ में आए जी पहली कैसा लगता है आपको हमारे दार्जिलिंग अच्छा लगता है बहुत अच्छा लगा कौन सा प्लेस बहुत फेवरेट है आपका यहाँ पे यहाँ पर अपना टाइगर हिल जी आज सवेरे भी हम लोग वहाँ होके आए हैं टाइगर हिल बहुत अच्छा लगा और एक वो आपका घूम स्टेशन जो है जी टॉय ट्रेन उसका मजा भी लिया हम लोग ने आप दूसरी बार आए हो दार्जिलिंग दार्जिलिंग टी ट्राई किया आपने जी ट्राई किया ना और लिया भी है बहुत है नेचुरल है हम लोग के यहाँ जो मिलता है थोड़ा केमिकल वाला मिलता है यहाँ जो मिला है एकदम ओरिजिनल टी है हाँ सुंदर दार्जिलिंग के बारे में दो शब्द ग्रीन दार्जिलिंग क्लीन दार्जिलिंग बहुत बढ़िया थैंक यू वेरी मच आज बिहारबाट आउनु भएको दार्जिलिङका अतिथि वहाँ नेपाली ड्रेसमा एकदमै सुन्दर देखिरहनु भएको छ स्वागत है आपको दार्जिलिङ थैंक यू शुभ नाम आपका पूजा पहली बार आए हो दार्जिलिङ हाँ दार्जिलिङ का सबसे अच्छा क्या लगा आपको अभी तो घूम ही रहे हाँ फर्स्ट टाइम घुमिएगा बहुत सुन्दर जग्गा है अच्छा यदि क्यूट नानी सानो नानीहरू हामी माझ आउनुहुन्छ माई नेम इज राई लक्ष्मी गुप्ता राई लक्ष्मी गुप्ता कहाँ से आयो हो हाजीपुर से हाजीपुर बहुत गर्मी होगा ना वहाँ पे अभी दार्जिलिंग आके ठंड मौसम में कैसा लग रहा है आपको अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है दार्जिलिंग का फेमस फूड में से क्या खाया आपने रोट यहाँ का टी कुछ खाया नहीं खाया और आप भी आओ और आपका नाम क्या है मनमोहन गुप्ता मनमोहन गुप्ता आप लोग भाई बहन हो हाँ कैसा लगा दार्जिलिंग आके बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा आपने मोमो ट्राई किया हाँ ट्राई किया ओके तो कहाँ कहाँ घूमे अभी तक अभी अभी यही पे आए हैं फर्स्ट टाइम फर्स्ट यही पे आए हो बहुत सारी जगह घूमना है ना अभी ओके थैंक यू वेरी मच और ऐसे इसरी हामी माजा यदि क्यूट नानो हुनुहुन्छ आपका नाम क्या है सौम्या सौम्या कहाँ से आए हो जलगांव से जी जयगांव से बहुत गर्मी है ना जयगांव में अभी दार्जिलिंग ठंड मौसम में आके कैसा लग रहा है आपको अच्छा अच्छा लग रहा है अभी स्कूल छुट्टी है आपने दार्जिलिंग आके मोमो खाया खाया और क्या क्या खाया छोटे मोटे इसरी हम मजा अर्को बहिनी हुनुहुन्छ वचने माय नेम इज सोनिया आप भी कहाँ से हो जलगांव जयगांव से महाराष्ट्र जलगांव महाराष्ट्र महाराष्ट्र सबसे अच्छा क्या लगा दार्जिलिंग में सबसे अच्छा टी गार्डन जूलॉजिकल पार्क पांडा देखा वहाँ पे यस लगा बहुत मस्त था और दूसरा जगह कहीं पे घूमे और दार्जिलिंग में इधर टी गार्डन है और इधर और वो जापानीज टेम्पल पीस पकौड़ा वहाँ पे जाके वो बजाते हैं ना लामा लोग वो बजाया आपने हाँ कैसा लगा बहुत मजा आया और इतना चिल्ड मौसम में आइसक्रीम लिया आपने हाँ बहुत ज्यादा मजा आया तो हमारे चैनल में दार्जिलिंग के बारे में कुछ मीठा सा कह दीजिए दार्जिलिंग इज वेरी स्वीट प्लेस और जो आप दार्जिलिंग में ग्रीनरी जो जलगांव में नहीं है वहाँ ग्रीनरी इधर देखने के लिए मिल रहा है
जो डिसलाइक दार्जिलिंग में आपको लगा हो? डिसलाइक डिसलाइक चलना कुछ भी नहीं लग रहा है दार्जिलिंग में, मलाई मन नपरेको केही पनि छैन। साँच्चै नै हाम्रो दार्जिलिङ यति सुन्दर, यति स्वच्छ, यति राम्रो वेदर भएको जग्गा है, ईश्वरले बास गर्नु भएको जग्गा भनेर मानिन्छ। 1, 2, 3 दर्शकवृन्द, आजको यस एपिसोडमा हामीले दार्जिलिङका विभिन्न पर्यटक स्थलहरू भ्रमण गर्यौँ, हाम्रो पर्यटकहरूसँग मिठा मिठा गफ गर्यौँ, कतिजनाले गीत गाउनुभयो, कतिजनाले दार्जिलिङको बारेमा मिठो मिठो वर्णनहरू गर्नुभयो। यस एपिसोड तपाईँहरूले पक्कै पनि मन पराउनु भयो होला भनेर आशा साचेको छु। र अर्को एपिसोडमा हामी अर्को पर्यटक स्थलहरू भ्रमण गर्नेछौँ भन्दै बाचा गर्दै आजलाई यस कार्यक्रमबाट बिदा लिन चाहन्छु। म प्रतिमा लगायत टिस्टा रङ्गीतका सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, हेर्दै गर्नुहोला टिस्टा रङ्गीत।